नमस्कार, मैं रश्मि। स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। दिल्ली एनसीआर में भारत बायोटेक की वैक्सीन का तीसरा ट्रायल लगातार जारी है। एनसीआर में दिल्ली एम्स और रोहतक मेडिकल कॉलेज के अलावा फरीदाबाद के एसआई मेडिकल कॉलेज में भी इस व्यक्ति का तीसरा ट्रायल किया जा रहा है, जिसके तहत फरीदाबाद में 1500 लोगों पर ट्रायल किया जाना है और अब तक लगभग 700 लोगों पर इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। रेल के मद्देनजर आज फरीदाबाद के उद्योगपतियों ने आगे आकर इस ट्रायल में हिस्सा लिया और वैक्सीन लगवाई। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। इन सारी चीजों को और कैसे जो है लोगों को मोटिवेट करेंगे, मैसेज कन्वे करेंगे, थोड़ा सा एक संदेश। देखिए जी, हमारा कॉन्फिडेंस दो चीज़ों में है। एक तो ये ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इज ए पार्टनर विद भारत बायोटेक, सो दिस इज इनफ कॉन्फिडेंस इन आवर माइंड दैट जो भी ये हो रहा है ये ठीक हो रहा है और एक ठीक तरह की ट्रायल हो रही है और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी भी इन्वॉल्व हैं और वो इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इसके साथ और भी कॉन्फिडेंस हमें होता है और वैसे भी दवाइयों में, वैक्सीन में इंडिया इज़ ए फ्रंट रनर और इंडिया इज़ ए लीडर इन दिस। हमारे यहाँ एक नहीं तीन कंपनियाँ बना रही हैं, तो मेरे को बड़ा कॉन्फिडेंस है और मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तो लोगों को कैसे हम भरोसा दिलवाएंगे। तो मैं खुद दवाइयों के दायरे से आता हूँ, मैं ड्रग मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे को पता है कि हम यहाँ कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा यहाँ आना और भी ज़रूरी था। अच्छा सर, अब जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग आपके साथ काम करते हैं, बहुत सारे जो परिवार मानते हैं फैक्ट्रियों को, यदि आप कराते हैं उनके फिर आगे आने वाले समय में उनका भी होगा, तो उनको किस तरह का मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, कैसे जागरूक करेंगे, या पहले आप खुद पर इस तरह की चीज़ें करा रहे हैं फिर उनका?